शूटिंग क्या होता है, शूटिंग हमेशा गोल पोस्ट पे की जाती है और हिटिंग हिटिंग हम कहीं भी कर सकते हैं, ये इसका डिफरेंस है। क्योंकि दोनों चीज़ें एक सेम चीज़ें हैं, शूटिंग और हिटिंग, पर इसमें बस डिफरेंस ये है कि शूटिंग जो होती है वो हमेशा गोल पोस्ट में की जाती है और जो हिटिंग होती है वो कहीं पर भी की जाती है। तो जो हमारी पहले जो हमारा पहला टेस्ट है, जो हमारी पहली बैटरी है, वो है हमारा ड्रिबलिंग और शूटिंग। तो जाहिर सी बात है कि ये किस पे होगा, गोल पोस्ट पे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा गोल पोस्ट जो हमारा हॉकी का होता है वो क्या होता है, ये तो हमारा उस हिसाब से है नहीं, जिस हिसाब से हमने बनाया था। तो ये हमारी क्या है, हमने इसका क्या करा, हाफ करा, तो हमारा गोल पोस्ट था उसका। सबसे पहले मैं आपको स्कोरिंग का मेथड बता देता हूँ कि ये हमारा स्कोरिंग का मेथड ये है कि सेंटर से सिक्स नंबर और सेंटर से सिक्स नंबर राइट टू लेफ्ट, अगर स्कोरिंग दो नंबर के बीच में होती है, दो नंबर के बीच में एग्जाम्पल के तौर पर जैसे और वन, फोर और वन के मिड में लगती है, तो हमेशा काउंट कौन सा होगा, जो जिसका नंबर ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, तो उसका क्या होगा, काउंट होगा, ठीक है। तो इसका जो टेस्ट है, इसका मैं आपको ये बता दूँ डिटेल में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में तो आपने क्या किया, 45 डिग्री के एंगल पे एक बॉक्स बनाया, बॉक्स जो हमारा ये है, सबसे पहले हमने आर्क लिया, कितना का लेते हैं इसको, 60 की आर्क, ठीक है। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करके ले सकते हैं, 60 की आर्क का हमने क्या मारा है, आर्क मारा, हमने आर्क मार दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, 45 डिग्री का एंगल बनाना, एंगल बनाने के लिए आपको दो चाप काटने पड़ेंगे, सबसे पहले 90 का बनेगा, जो 90 का होगा वो हमारा क्या होगा, राइट एंगल होगा, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री जो हमारा स्ट्रेट है, ठीक है। फिर उसी चाप से 45 का करेंगे, क्योंकि 90 का हाफ कितना होता है, 45, तो जो 90 का हमने जो आर्क काटा था उसी से हमारे दो आर्क बन जाएंगे 45 45, तो हमने दो आर्क वहाँ से कर लिए, और ये हमारा कितना टोटल था, 16 यार्ड का, ठीक है। तो 16 यार्ड के जो हमारी आर्क काटा था, जो आर्क का सेंटर है, उससे हम 1 यार्ड आगे और 1 यार्ड पीछे एक बॉक्स बनाएंगे। उसका डायमेंशन क्या है, 1 यार्ड उसकी लेंथ भी है और 1 यार्ड उसकी ब्रेथ भी है, मतलब 1 यार्ड ऐसे में भी है, 1 यार्ड ऐसे में भी है, एल इंटू बी होता है ना। तो जो हमारा ये बॉक्स बना, इसका एल इंटू बी मतलब 1 यार्ड और 1 यार्ड दोनों का बराबर है, तो ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर की डायमेंशन क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो ये बॉक्स कितने का है, 1 यार्ड का है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, यही से इसी के सेंटर से हमने 2 यार्ड के लाइन, ठीक है, ये चीज़ बॉक्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे इसकी लेस में क्या है, ड्रिबलिंग और शूटिंग, शूटिंग का मतलब आपको क्या करना है, गोल पोस्ट पे शूट करना है। तो सबसे पहले जो हमारी 2 यार्ड की लाइन जो पीछे है वहाँ पर हर स्टेशन पे दो दो बॉल रहेगी, ठीक है, हर स्टेशन पे दो दो दो, फर्स्ट स्टेशन और सेकंड स्टेशन के बीच में हमारा रहेगा 30 सेकंड का गैप रहेगा, ठीक है। पहले अटैम्प्ट है, पहली बॉल को आपको बॉक्स में लेके आना है, वहाँ से आपको शूट करना है, जहाँ पर आप शूट करोगे वही पर आपका काउंट होगा, हर स्टेशन का जो आपको स्कोर होगा वो ऐड होगा, इस स्टेशन का ऐड होगा, इस स्टेशन का ऐड होगा, इसका ऐड होगा, मतलब अलग अलग होगा, ऐसे नहीं कि 45 और आपने 90 को ऐड करा आपस में, ये नहीं होगा, हर स्टेशन का अलग होगा। तो जो बेस्ट स्कोर होगा वही आपका काउंट होगा, ठीक है। आपने इसका दो अटैम्प्ट यहाँ पर है, आपके दो अटैम्प्ट यहाँ पर है, दो वहाँ पर है, तो मतलब कितने टोटल 6 अटैम्प्ट के अटैम्प्ट है, और 3 क्या आप पे एरिया या आप पोजिशन बोल सकते हो, दो तरफ 45 डिग्री का एंगल है, एक तरफ 90 डिग्री का, ठीक है, समझ में आ गया। यह है ड्रिबलिंग और शूटिंग, शूटिंग आपको क्या करना है, गोल पोस्ट में, ठीक है। सबको कितने चांस मिलेंगे, एक चांस मिलेगा, हर स्टेशन पे आपको कितने दो दो चांस मिलेंगे, दो दो दो, मतलब कितने टोटल कितने, 6 हिट आपको माननी है, हर स्टेशन का आपका क्या होगा, स्कोर काउंट होगा, वो ऐड होगा, जो बेस्ट स्कोर होगा वो आपका काउंट होगा, मतलब माना जाएगा कि ये आपका बेस्ट स्कोर, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी अभी इसी की बात करूँगा, ड्रिबलिंग और शूटिंग, ठीक है, एक एक करके सब।
करना है, स्मूथ नहीं करना। Thank you.